Assalamu alaikum, Chabulogo, Colum, Dan Mubarak. Khair Mubarak. नहीं दिखाना चाय बनी हुई है कि नहीं बनी, फिर कहेंगे कि चाय इतनी ज्यादा पीता है कि आज रोजा था तो चाय जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो सबसे पहले तो आप सब बहन भाई को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से हमारा आज पहला रोजा है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि रोजा रखा है या नहीं रखा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30 का, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो इस चैनल पर मैं प्रॉपर डेली जो है ना व्लॉग में ना अपलोड करूंगी, तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और अभी हमने खाने वगैरह की भी तैयारी करनी है इफ्तारी की, तो वो सारी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, धूप निकली हुई है लेकिन मौसम आपको पता है नॉर्मल चल रहा है, गर्मी नहीं है, ना ठंड है ना गर्मी है, नॉर्मल मौसम है। तो अभी चलते हैं और खाने वगैरह का इंतजाम है वो भी करते हैं। बच्चे जो है ना वो भी स्कूल से वापस आ गए हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे स्कूल लगता है और 12 बजे जो है ना वो छुट्टी हो जाती है। रमज़ान के महीने में ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, इस वजह से बच्चे जो है ना कब के वापस आ गए हैं, एक दो नींद रह करके उठ गए हैं। सुबह उठती है मुझे कहती है कि स्कूल नहीं जाना, मैंने कहा सो कर उठियो, स्कूल से अभी तो आई हो, फिर दोबारा जाना है स्कूल। मन जाना जी बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अमन? कैसा रहा दिन आज? अच्छा। रमजान मुबारक तो कहो सबको। आप सबको रमजान मुबारक। अच्छा ये बताओ, समावेत सो ये उठिए कहते स्कूल नहीं जाना। तो आपको भी नींद आई है? नहीं। अच्छा। मैं सोती भी नहीं, मैं रात को सोती हूं। अच्छा। और गुड़िया का क्या हाल है आपका? कल इसके अब गए थे, गुड़िया ले कर आए हैं इसके लिए। ठीक है गुड़िया जी। ये पाव कैसे बनाए हुए हैं? ये खालों ने बनाए हैं। ये नीचे कर लो ना। नहीं, ये बुजुर्गों वाले बाल के बनाए हुए हैं आपने। ये शीशे देख रही है? गर्मी है इसलिए। गर्मी है इसलिए? गर्मी है तो नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से बरामदे में फर्श भी लग गया है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो है ना फर्श वो लगवाना है हमने, मतलब एस्टीमेट वगैरह लगा के बताया है मिस्त्री ने कितना खर्चा इसके ऊपर आएगा, तो ये जो है ना सीन का फर्श भी इंशाल्लाह लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मम्मी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? भैंस का दूध निकाला है, रात भैंस मिली का है। दूध बॉयल कर रहे हो? खीर काट रख लिया ना। हेलो सारी द टाइम ही हेलो चाय बड़े सुन गांव का दूध है ना, चाय भर दी नहीं पतला की रहा। अच्छा भैंस का दूध निकाला है? आग जले नहीं मारू तो खीर काट कर रखी नहीं, वो गैस पे दूध बॉयल कर रहे हैं जी। सुबह हो गई आपकी? अस्सलाम वालेकुम। इसलिए और ठीक हो? दिन बहुत अच्छा था स्कूल में। तो अभी स्कूल के लड़कियों ने रोजा भी रखा था। अच्छा माशाल्लाह, तो क्या पता आज मैं भी रखूंगी रोजा। हाँ आप रखा करो ना, आपके ऊपर भी फर्ज है रोजा जी। हाँ कल से रखना फिर। ठीक है ठीक है। नहीं बड़ी तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी रोजा रखना चाहिए, शुरू से याद तो ना, तो रोजे की तो बाद में फिर रखते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो आज पहला रोजा है, और अबू जी भी गए, अबू को भी रोजा था, वो थोड़े से काम पे गए हुए थे। देखिए सामने सुबह से आप सब्जी इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये बनती भी है सब्जी या नहीं बनती? ये क्या ले आए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक हो बहुत ज्यादा, और पहला रोजा भी जो आपने कहा था वही है। बिस्मिल्लाह। अच्छा कैसा रहा? ठीक है। कैसा गुजर रहा है रोजा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल यस, बहुत अच्छा गुजर रहा है। ऐसा पता भी नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है, अभी 2-3 घंटे रहते हैं। हाँ क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है ना, इस वजह से तभी खाने वगैरह का इंतजाम करते हैं। और आज मैं अफ्तारी भी आपसे शेयर करूंगी कि हम अफ्तारी में क्या क्या हम खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह सारा डिटेल से आपसे शेयर करूंगी। तो अभी जी अम्मी ने खाना जो है ना वो तकरीबन तैयार कर रही है, ये देखिए मसाला भी तैयार कर लिया है और गोभी बंद बना रहे हैं, ये देखिए गोभी भी डाल रहे हैं इसमें, नीचे ना डाल देना सारी, कितनी प्यारी है गोभी। बहुत अच्छी बनती है ये, बोनी आ रहा है ये तो ज्यादा है, इसमें आ ही नहीं रही, आपकी देखी छोटी है। देखी छोटी नहीं है, पूरी हो गई, फिर सूख जाती है ना।
बैठ बैठ के हम बोर हो गए हैं, तो मैंने समावे से कहा बाहर चलते हैं थोड़ा सा ना घूम फिर लेते, तंग आ गए हैं इधर बैठ बैठ के ना अभी से ही हम तो। और मुजम्मल जो है ना वो गया हुआ है अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए धर्मशाला के पास, वो शाम तक आएगा। तो अभी बाहर आ गए हैं, पानी लगा हुआ है नीचे, पता नहीं। हाँ पानी है नीचे, हाँ पानी लगा हुआ। आगे कैसे जाएं फिर? आगे तो उधर उधर तक जाते हैं पानी। वैसे ये जगह ठंडी लग रही है कैसे? जब उठी थी मैंने तो वो क्या मेरे मुंह पर ना सारा वो पसीना था, इतनी स्कूल में भी ऐसे गर्मी थी। मुझे तो नहीं लग रही, वो आप सो गई हो ना रजाई डाल के, इस वजह से गर्मी लग रही थी। हाँ रजाई तो नहीं भी, फिर भी गर्मी थी। नीचे पानी है तो अभी थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, आगे तक जाते हैं फिर वापस आएंगे। यारा माहौल है ये देखो, ये देखो यहाँ पे पानी है सारा, पानी आया हुआ है रात को वहीं से आया अपनी पानी, ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल का पानी आया है। कहाँ चले आ गए? वो देख कुत्ती आ रही है पीछे से, कहाँ दौड़ी छोटी सी, फिर कुत्तियाँ पीछे पड़ी रहती हैं, भौंकती भी रहती हैं, इनको क्या करें अब, चुप ही नहीं करती। इतनी थी, मैं तो जब भी जहाँ भी जाऊँ ना कुत्तियाँ मेरे पीछे होती हैं, पता नहीं क्या वजह है। कहाँ जा कहाँ रहे हैं हम ये तो बताओ। तूने कहा है कि बाहर चलते हैं, फिर कहाँ चले हम? आगे जा रही हूँ ऐसे ही, चलो चलो उधर तक चलते हैं, घूम फिर के फिर वापस आएंगे, ठीक है चलते हैं। डॉगी नहीं काटते हमें, वो सिर्फ भौंकती हैं, कुत्तियाँ जो है ना वो सिर्फ उनका काम है सिर्फ भौंकना, वो काट नहीं सकती। मैं अभी क्या बोल रही हूँ, चलो अभी चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। और माशाल्लाह गंदम जो है ना वो मार प्यारी होगी, ये देखो गंदम की सिटियाँ। तो मैं ये मेरा चैनल है ना तो उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे मैं व्लॉग बनाऊँगी ज़बरदस्त, और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। आ जाओ आ जाओ, सही कह रही है किधर जाना है, चलो जा रही है कुत्ती। मैंने कहा है ना ये पीछे नहीं छोड़ती, कुत्तियाँ हमारे पीछे नहीं छोड़ती कभी भी, सारी जिंदगी हमारे पीछे ही रहेंगी। बस वहाँ तक चलो, उधर ऐसे देखो समा भैया, उधर तक चलेंगे, वहाँ से ऐसे घूम के वहाँ से ऐसे ऐसे फिर हम घर जाएंगे, ठीक है? थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी। नहीं गिरेंगे, चलो आप लोगों को गिरने नहीं दूंगी, चलो खुद ना गिर जाऊं। वैसे मेरे हाथ में दर्द हो गया, मोबाइल उठा उठा के इतना सफर करके आ गए हम आगे। थक गई हूँ, ओए भागो 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 यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, इतनी सी तो हो हमें काटोगी, भागो यहाँ से। अच्छा जी, पहले मेरे दोस्त होती थी इधर, मैं जाती थी उनके पास, क्या वक्त आ गया जी, अब भाई भाई का नहीं है, बहन बहन का नहीं है, कोई किसी का नहीं है आजकल के दौर में। बहन की नहीं है, जब बहन बहन का नहीं है, वही कह रही है कोई किसी का नहीं यार, कोई आप तरापी लगा हुआ है। यहाँ से फिर हम जाएंगे, ठीक है ना? तो आज मैं आपको अपना गांव दिखा रही हूँ, तो यहाँ से हम जाएंगे ऐसे, ये जो हमारा खाला जा रहा है ना ये सीधा ये इस तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन हमने सीधा बना लेना है उस साइड पे, ऐसे घूमते 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 फिर हमने घर जाना है। वो रहा हमारा घर, हम इतना दूर आ गए हैं, ठीक है? और कुत्ती हमारे पीछे है अभी भी, इसने तो जान छोड़नी नहीं है। चलो चले थोड़ा तेज तेज चलो। तो आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि आप सबको इस तरह की मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं घूम फिर के, या घर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पता है गंदम का सीज़न चल रहा है, तो हर तरफ से ना सब्जा सब्जा और हरियाली हरियाली है, तो बोल बहुत अच्छा लगता है। और मच्छर की मौसम भी आ रही है, हाँ मच्छर की मौसम आ रही है, क्योंकि जब गंदम की कटाई शुरू होने वो आती है ना, तो इतना मच्छर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, फिर तो रात को बहुत ज़्यादा मच्छर का, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। हाँ जी, अब
हाँ बाहर ही सोएंगे, गर्मियों का अपना मजा है। अभी तीन चार महीने अंदर सोएंगे पंखा चला के। हाँ अभी तो दो महीने तकरीबन अंदर ही सोएंगे। कुत्ती आ रही, वो देखो वो भी आ रही है पीछे। ऐसे मर जाने अपने, जाओ पीछे छोटी सी हो। अच्छा भी और कोई भी नहीं लैपक में बुला के आई, वो भी नहीं, वो तो कहाँ चल सकती है, दूर थक जाती है। हम गंदम के बीचों बीच चल रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गंदम हमारे मतलब कंधे के समावे की, थोड़ी सी थोड़ी छोटी है ना गंदम, मतलब कंधे के करीब आ गई है गंदम, इतनी बड़ी हो गई है। ओए होए मैं तो फंस गई यार गंदम में, ये देखो एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है। समावे कह रही है ये तो फंस गया यार, कहाँ घुस गई हो, इधर ऊपर जाना था ना, बीच में आ गए, इधर जाओ ना। अरे अल्लाह तीन बने पर समझ ही नहीं आ रही कहाँ पे चल रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा कहाँ पे जा रहे हैं। ओहे ये तो वो कुत पटे नहीं पाइए, हाय हाय थक गए, शुक्र है गंदम से निकल आए भाई राम। और अभी हम घर पहुंचने वाले, बस थोड़ा सा सफर है, इधर ऐसी चक्कर लगा गुलाई में घूम के आए हैं। वो देखो वो रहा सामने हमारा घर, जी अभी घर जाके फिर आपसे वीडियो शेयर करते हैं बाकी की, ठीक है। ओए थक गए, चल चल के थक गए हैं हम, घर पहुंच गए हैं, कपड़े सारे उतार लो सिन्ने, गीले हैं गीले थोड़े, नहीं ये सूख जाएंगे ना अंदर, उसको खड़े कर दो, इतने नहीं है थोड़े थोड़े बाद में कर देंगे। चलो ये वर्जी रहने दो, बाकी लैब उतार लो, थोड़ी मैली है जी उठा ली। चलो अस्सलाम वालेकुम, चाचू कैसे हो, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। तो भाई अभी कहीं जा रहे हैं, चाचू और सुनाए कहाँ घूमते इतने अरसे, नजर ही नहीं आए, घर से घर थे, मरी गया होता बस करो, चलो आ जाओ अंदर आना है तो ठीक हो। और रोजा रखा है आज, रोजा कोई नहीं तो आप तो काम है, हाँ माइंड का दिमाग का थोड़ा सा मसला है, तो इस वजह से ये मेरे चाचू बीमार रहते हैं, तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट रहते हैं बाकी रोज़ा इफ्तारी में, तो सारा इंतज़ाम वगैरह हमने इफ्तारी का कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं वज़ू भी करके आ गई हूँ माशाल्लाह, तो अभी इफ्तारी करेंगे। अबू भी अभी वज़ू कर रहे हैं, सूरज जो है तकरीबन ढल चुका है, और हम ही सब कुछ जो है यहाँ पर रखें चार पे पर, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है हमने रेडी कर लिया है, और साहब आ गए, बस मुजम्मिल और भाई जो है उधर गए, मैं वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इफ्तारी का टाइम भी तकरीबन होने वाला है, तो फिर इफ्तारी करते हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी इफ्तारी में क्या क्या हम, ये देखिए जी वो अंडा है, अंडा है, पकोड़े हैं, पिंड है। अच्छा आपको खाने की गंगीन की दिखाओ, देख रहे हैं सारे पता है उनको। चलो जी तो ये इंशाल्लाह सब मिलके हम इफ्तारी करेंगे सब साथ में मिलकर, और अभी देखो शाम होगी बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, नहीं होगी पहले फिर पहले तो जाए ना चैनल वगैरह बजने लगने की हमारे, तो हाँ वो बजेंगे तो वो आपको सुनाएंगे हम, जो दूतू बजते हैं दूतू नहीं सर, हम सराय की जबान में उनको दूतू बहुत आती है, खुशी बहुत आती है, हाँ खुशी आती है, गुगु कहते हैं गुगु, बस रहा था खुशी होती है दूतू दूतू, तो भी बजेगा तो आपको सुनाते हैं उसकी आवाज़ भी, सरन कहते हैं आवाज़ उसको वैसे, वो आ गए इसका मुंह धुला हाथ धुलाओ, सारा दिन भाग भाग के कोई होश नहीं है, आ जाओ मुंह भी धोने हाथ भी धोने, बस थोड़ा सा कितना टाइम रहता है, टाइम बताओ, दो तीन मिनट रहते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को रमजान मुबारक, खैर मुबारक, सारा दिन फिर किसको भी रमजान याद आया शाम को, चलो कैसे हैं, सलाम ना करे सारे, कैसे हैं अच्छा आप पूरे ना चाय पहले ही बना के तैयार करके रख दिया, आपको दिखाऊं मैं।
अम्मू ने मुझे मना किया है। अब है क्या, आपने नहीं दिखाना चाय बनी हुई है कि नहीं बनी, फिर कहेंगे कि चाय इतनी ज्यादा पीता है कि आज रोजा था तो चाय जल्दी बना कर रख दी। तीन चार प्याले भी धो कर रख दी और आधी देगी चीज और चाय की भी बना के तैयार कर रख दी। जैसे रोजा स्टार होगा उसके बाद अपने चाय पीनी है, फिर चाय पियोगे नमाज, फिर नमाज के बाद फिर खाना खा के फिर चाय पीने आपने। ऐसे ही मैं खुद भी पीती हूँ, लेकिन मैं शाम की नमाज मस्जिद में जाते हैं तरावीह के लिए जी माशाल्लाह। वापसी पर भी चाय एक दो बार पीते हैं। नहीं मैं अगर ना पीऊँ ना, मेरी आदत नहीं है कि मेरे हाथ सर में दर्द होगा, कुछ मुझे कुछ भी नहीं होता अगर ना पीऊँ तो। फिर दिन का मसला है थोड़ा सा, बस अभी एक बंदे को महसूस होता ना कि रोजा है, हमें तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि इतना मौसम अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इतने अच्छे मौसम में रमजान आया माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अल्लाह पाक सबको, अल्लाह पाक सब मेरे बहन भाइयों को सारे रोजे रखने की तौफीक दे और हमारे लिए भी दुआ करनी आप सब बहन भाइयों ने। सुनो सुनो एक सेकंड, अभी अभी वो बड़ा जोर कभी बजेगा एक हमारे जो सास की मस्जिद है, आवाज आ रही है, चुप चुप करो सुनने दो। आप ही ना अंदर होता इख्तियार अफ्तार कर रही है तो ये देख गुगु बज रहे, एक मिनट आप सुनिए। देखिए यहाँ से अब ये हमारे अपनी मस्जिद में से ना आवाज आ रही है। अभी अंदर चलते हैं, तैयार कर लिया है सोने आप ही ने जी माशाल्लाह, सबने कर लिया है। अभी इधर से आ जाओ। तो अभी माशाल्लाह से नमाज हमने पढ़ लिया मगरिब की, तो अभी आपको पता है हमने पीनी है चाय जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो पहले तो अभी चाय पीते हैं। तो आज की वीडियो कभी यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब एनिमल को आज का ब्लॉग पसंद आओगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।